मैं जानता हूं कि मैं आपके बीच में जब आया हूं, चुनाव आ रहे हैं, कम से कम 3-4 हजार तक जो है कार्यकर्म अपनी उम्मीद लेके आते होंगे। अध्यक्ष जी अभी जो पीसीसी बना रहे हैं तो उसके लिए भी कई कार्यकर्ता आते रहते हैं उम्मीद लेके। सबको हम पद नहीं दे सकते, सबको टिकट देंगे, मगर मैं इतनी बात को जरूर से जानता हूं कि सबको मैं सम्मान दे सकता हूं और सबको जो है जो मेरा समय थोड़ा ज्यादा है। आप रीवा से आते हैं और रीवा से आते हुए कई मेरे युवा कांग्रेस के साथी होते हैं, एनएसओ होते हैं, इतनी बड़ी बुकलेट लेकर आते हैं, मेरी बहनें कहीं लेके आती है। युवा कांग्रेस के साथियों के लिए मैं कई साथियों को नजदीकी से देखा है, शादी हुई होती है, मेरे ग्रुप का एक लड़का मैं जानता हूं, शादी हुई होती है, हनीमून की टिकट है और बताया गया कि तुमको जो है साउथ गुजरात में सोनिया जी आ रहे, मैडम आ रहे, मीटिंग की तैयारी के लिए जाना है, सब कुछ छोड़ के वहां चला जाए। लास्ट ईयर मैंने वो भी देखा था जब राहुल जी आए थे कि युवा कांग्रेस के मेरे 15 साथी थे, आम परिवार से थे, कोई पैसे वाले भी नहीं। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, कल रात को कुछ मिला कि नहीं मिला? सामने थोड़ा मुस्कुरा दिया, बोला सर कुछ सोने का तो नहीं मिला, बस में किसी ने कोई तुम्हारा कोई भोजन भोजन कुछ करवाया? फिर से हंस दिया, कहते सब कर दिया, समझ में आ जाता है कि शायद खाना भी नहीं खाया। तो ये इतनी प्रतिबद्धता है। मेरी बहनें जो है, कई बहनों को देखिए, आपकी एक वर्कर को मैंने देखा है कि बच्चे की डिलीवरी का टाइम आ रहा था और इलेक्शन आ रहे थे तो डिलीवरी इंड्यूस करवा दी, और इनको जो है जब अब तक कुछ काम लेके आते हैं, कुछ किया हुआ जो दिखाना जब आते हैं, हम उसकी पुस्तक जो है उसका एल्बम हाथ में लेने की भी दरकार न करें या देखने की दरकार न करें। मैं तो समझता हूं इफ आई फेल टू डू दैट, मैं करने में जो कामयाब न रहूं या तो निष्फल हो जाऊं, उसको ये केएसीसी का महामंत्री बनने का अधिकार है। मेरे लिए जो लागू होता है, मैं समझता हूं ये पार्टी के हर लीडर के लिए, लोक का अध्यक्ष हो, सेक्टर का अध्यक्ष हो, मंडल का अध्यक्ष हो या विधायक हो, सबको ये लागू होता है। जो दिन आपने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीख लिया, उसमें विश्वास पैदा कर दिया, वो दिन है लोगों के साथ भी आपके विश्वास के सेतु जुड़ जाए। वर्कर ही तो हमारा सेतु होता है, वर्कर ही तो जो हमारी जान होती है। तो ये करने में ही हम लोग फेल हो जाते हैं। मेरे कई साथियों को मैं देखता हूं फोन नहीं उठाता। मैं यहां आपके बड़े बड़े 2-4 लीडरों को भी डांट देता हूं, कोई अन्ना मेरा दूसरे नंबर से फोन करता हूं, फोन नहीं उठाते। मैंने कहा भैया आप मेरा फोन नहीं उठाते तो फिर आम वर्कर को तो कब जवाब देते हो? शाम को 7 बजे के बाद फोन कर दो, सबका फोन जो है स्विच ऑफ करना। अरे भैया तो आप विधायक क्यों बने? आप लोकसभा के सदस्य क्यों बने? आप बड़े पदाधिकारी जिला अध्यक्ष क्यों बनते? जिला अध्यक्ष की ड्यूटी 24/7, ब्लॉक अध्यक्ष की ड्यूटी 24/7, विधायक की ड्यूटी 24/7 है। अरे आप खुद ना उठाओ, आपके कोई साथी को लगाओ। अरे एटलीस्ट फोन को तुम ऑन रखो, साइलेंट पे रख लो, जिसकी वजह से आपने जब देखा फौरन उनके साथ फोन से बात करने की तो वो भी नहीं करते, और फिर शिकायत करते कि वर्कर जो है हमारे खिलाफ काम करते। मत करे, मेरा आप सबसे निवेदन है जैसे मत करे, वर्करों की भावना आपके साथ जुड़ी रहेगी, आप निश्चित रूप से आप एक अच्छे लीडर हैं, आपको कोई हराम नहीं। तो हम जो आपको बता रहे थे कि जो है दूसरी आपकी पटरी प्रचार के प्रसार, प्रचार प्रसार के माहौल की है, और तीसरी जो पटरी है कैंडिडेट के चयन की प्रक्रिया, कैंडिडेट के चयन के मामले में ये बार राहुल जी ने गुजरात में जो एक नई सिस्टम इंट्रोड्यूस की और पूरे देश में फिर बाद में कर्नाटका में भी वो सिस्टम उन्होंने कार्यान्वित किए, अच्छे नतीजे रहे, और ये जो है यहां मध्य प्रदेश में भी वही सिस्टम पे जाने का निश्चय किया। पहले होता था कि कोई आपके बड़े लीडर ने आपके कंधे पे हाथ रख दिया, आपके टिकट, आज उन्होंने 8-8 बीच में फिल्टर लगा दिया है, 8 से 10, 4 सर्वे होते हैं। कोई भी हमारा वर्कर जो है जो टिकट मांग रहा है उसके लिए आवश्यक है कि उसकी लोगों के बीच में स्वीकार्यता,
दूसरी आवश्यकता है कि उसकी वर्करों में संगठन में स्वीकार्यता हो, और तीसरी आवश्यकता है कि उसकी पूरी की छवि भी कुछ ठीक ठाक हो। मैं नहीं कहता हूं कि बड़ी छवि हो, कि आपको बड़े लॉरेट जो है नोबेल प्राइज मिला हो आपकी छवि हो, मगर आपके सामने ऐसा तो कोई कुछ विपरीत ना हो कि लोगों की नजर में आप एक रेपिस्ट है, आप एक मर्डरर है, आप एक एक्सटोरनिस्ट है, इसी प्रकार के क्रिमिनल की छवि, या बड़े जो है धोखेबाज है, ऐसी कोई छवि नहीं। तो ये पार्टी जो है सुनिश्चित जरूर से करेगी कि तीनों चीजों में जो खड़े उतरते हैं, और उसके साथ साथ जिसकी जीतने की संभावना है उसका, उसके पास खुद की जो है शक्ति कितनी है, खुद का सपोर्ट बेस कितना है, समाज का सपोर्ट बेस कितना है, और उसके लेते हुए आज जो भारतीय जनता पार्टी जो तरीके से पैसों का इस्तेमाल करती है, वो तरीके में उसकी क्षमता उसको मैच करने की कितनी होती है, वो खुद की राशि नहीं हो सकती, मगर उसका कोई सपोर्ट होना चाहिए मित्रों से, साथियों से, फैमिली से, परिवार से, कि जो खड़ा करने की क्षमता रखते हैं, इसी प्रकार की क्षमता है कि नहीं, इतना देख के जो है निर्णय किया जाए। तो ये निर्णय करने के लिए चार प्रकार के तो सर्वे लगाए गए हैं, एक कांग्रेस अध्यक्ष की ऑफिस से होता है, एक हमारी ऑफिस से होता है, एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के ऑफिस से होता है, और एक स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जो मधुसूदन मिस्त्री है उनके ऑफिस से होगा। चार सर्वे के रिपोर्ट में कहा कोई जगह पे तो आप आना चाहिए, और उसके अलावा अभी हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई दी गई है, आपके पूर्व अध्यक्ष, हाल के अध्यक्ष, आपके यहाँ के पूर्व MLA, MP, उस सबको लेते हुए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी वो जो है उनका अभिप्राय आपके बारे में क्या है, प्रदेश की इलेक्शन कमेटी का आपके बारे में अभिप्राय क्या है, आपके फ्रंटल और सेल के कोई प्रकोष्ठ से, कोई महिला कांग्रेस है तो आपकी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और महिला कांग्रेस का आपके बारे में क्या रिपोर्ट है, युवा कांग्रेस है तो युवा कांग्रेस का आपके बारे में क्या रिपोर्ट है, ये सभी जो है रिपोर्ट, और इसके साथ साथ आपके प्रदेश के जो बड़े 5-6 नेता है उसका आपके बारे में, उनका खुद का आपके लिए क्या इंप्रेशन है, आपकी शक्ति के बारे में क्या इंप्रेशन है,